तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में। चलिए, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि BRABU स्नातक में जो लोग अप्लाई किए थे BA, BSc, BCom, उनमें कोई भी फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो चुकी है तो एडिट कैसे करना है। मैं कल भी एक वीडियो बनाया था कि एडिट करने का समय आ चुका है। 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप लोग इस फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। कैसे सुधार करना है, जैसे कि आपका नाम गलत है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी गलत है, या कोर्स यानी कि जो आप सब्जेक्ट लिए हैं उसमें भी कुछ चेंज करना चाहते हैं, स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, और साथ में जो एड्रेस है या कॉलेज का नेम जो आप लोग फर्स्ट में 1, 2, 3, 4 में सीरियली नंबर अरेंज किए थे उसमें भी कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज होगा, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी दी गई कि मेरिट लिस्ट किस आधार पर और कैसे जारी किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी कमेंट कर रहे थे कि क्या आप जो क्लास 12th में इंटर लिए हुए हिस्ट्री में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए भी एक अपडेट आ चुकी है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। बट सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन यहाँ पे सबसे पहले और सबसे तेज मिलेंगे, और यूट्यूब से भी पहले आपको फेसबुक और टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और हमसे कोई भी जानकारी या संपर्क बात करना चाहते हैं तो जस्ट आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आकर बात कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। सबसे पहले आपको आना है umih.brbu.edu.in वेबसाइट, जैसे आप फायरबॉक्स, क्रोम और गूगल किसी भी नेट ब्राउजर में आप सर्च करेंगे तो जस्ट आपके सामने यही वेब पोर्टल खुलकर आएगा। यहाँ पे जस्ट 3 प्रकार के ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन, जो अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो जस्ट अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, और चेक अप्लीकेशन, यह है कि आपका डिटेल्स क्या सही फिल हुआ है, क्या गलत फिल हुआ है, या चेक अप्लीकेशन में आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप सबमिट किए हैं तो फिर से आपका सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, वह आप चेक कर सकते हैं चेक अप्लीकेशन के ऑप्शन में। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन है, एडिट अप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिया गया है, एडिट अप्लीकेशन, जस्ट आपको इसी पे क्लिक करना है। आपका तो फॉर्म एडिट करना है, नेम, फादर्स नेम, जो भी डिटेल्स आप फिल किए थे पहले, मोबाइल नंबर से लेकर आपका कोर्स, कॉलेज, सारे कुछ डिटेल्स को आप चेंज कर सकते हैं, आधार नंबर, नेट आईडी, इन सारी प्रक्रियाओं को कैसे चेंज करना है, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो अभी तक किसी भी के द्वारा अभी तक पब्लिश नहीं की गई, या फर्स्ट वीडियो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के द्वारा पब्लिश की जा रही है, तो वीडियो लाइक करना बनता ही है। जस्ट आपको एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे मिलेगा कि BRABU ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन गाइडलाइंस, यहाँ पे बताया गया है कि आपको कैसे कैसे कौन से बातों को ध्यान रखकर फॉर्म को सुधार करना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ छात्रों ने जब शुरू में अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पे ईमेल आईडी गलत फिल कर दिया है, यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दी गई गाइडलाइन में आपको कैसे कैसे सुधार करना है। बट कुछ छात्र जो कक्षा 12th में साइंस लिए थे उनके लिए एक अपडेट आ रही है, क्या है देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखी गई है उम्मीदवार को 12वीं विज्ञान के उम्मीदवार जो कला और वाणिज्य के लिए आवेदन करते हैं उनकी मेरिट सूची 12वीं प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर बनाई जाएगी, और उनके लिए पात्रता मापदंड 50% है, और जो आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा वह कक्षा 12th में जो नंबर आया है उसी के बेसिस पे जारी किया जाएगा। चलिए, तो इन सभी के बारे में मैं बता चुका हूँ, इस सारे गाइडलाइंस को आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जस्ट आपको थोड़ा से नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे एक जानकारी दी गई है, आई हैव रीड ऑल द इंट्रोडक्शन, यहाँ पे बताया गया जितनी भी जानकारी दी गई मैं पढ़ चुका हूँ और आगे के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो जस्ट आपको यहाँ पे चेक कर देना है, जस्ट आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे मिलेगा कैंडिडेट लॉगिन, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर और पासपोर्ट कहाँ से मिलेगा तो मैं बता देता हूँ, एप्लीकेशन नंबर, पासपोर्ट और ईमेल आईडी दोनों, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे गया है, तो आप दोनों जगह चेक कर सकते हैं, इन दोनों को फिल कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो एक प्रकार का नोटिफिकेशन खुलेगा, कैसे खुलेगा तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे पूरी जानकारी आपको बताया जा रहा है कि क्या है, बेसिक डिटेल्स और कॉलेज, कोर्स, प्रीफ्रेंस, इन सभी के बारे में आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट बार एप्लीकेशन को फिल किए थे सेम उसी प्रकार आपके डिटेल्स को भी चेंज करना है। अगर आप लोग कोई भी मिस्टेक कर चुके हैं तो उसे आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाया गया है कि आप कॉलेज या कोर्स या नेम को आप एडिट नहीं कर सकते हैं, इस बार अभी सारी जानकारी को एडिट कर सकते हैं। कैसे एडिट करना है मैं बता देता हूँ, अगर आपका नेम गलत है, जैसे कि यहाँ पे मान लेता हूँ कि विष्णु गलत लिखा हुआ है, नेम सेक्शन में फर्स्ट नेम जो गलत है उसको आपको जस्ट यहाँ पे दो बार क्लिक करना है, और दो बार या बैक स्पेस प्रेस करके आपको इसको बैक कर देना है, और जस्ट यहाँ पे आपका जो नाम सही है उसको ही टाइप कर लेना है दोस्त। उसके बाद जो अगर आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर कुछ भी गलत है तो जस्ट वहाँ पे जाएंगे, उस सेक्शन में क्लिक करेंगे एक बार और उस डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं, आपका सारे डिटेल्स को एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है। और एडिट करने के बाद जो नीचे सबसे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट और सेव, तो वहाँ पे आपको सेव करना है दोस्त, नेक्स्ट कीजिएगा तो वह डिटेल्स आपकी सेव नहीं हो पाएगी, जस्ट आपको पहले सेव करना है, वहाँ पे आ जाएगा कि योर डाटा हैज बीन सेव।
एक्सेप्ट सक्सेसफुली, यहाँ पे जानकारी आ जाएगी, आप जस्ट उसे क्लिक करके देख लीजिएगा। और आपको बताया हूँ कि कैसे अगर आप लोग एडिट भी कर लेते हैं तो एक बार अवश्य रूप से चेक कर लीजिएगा, चेक एप्लीकेशन में जाकर लॉग इन करके वहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि यह डिटेल्स मेरी सही तरह से फिल हुई है या नहीं। इन सभी जानकारी को आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। और चलिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्स और डिटेल्स को कैसे चेंज करना है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया है यूजी, आपको यूजी ही रहने देना है। और यहाँ पे स्ट्रीम अगर आप चेंज करना चाहते हैं साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी के लिए तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बट साइंस वाले जो कक्षा 12th में साइंस लिए होंगे वहीं बीकॉम और बीए में क्या अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, 12th में कॉमर्स लिए थे तो आपको यहाँ पे बीकॉम सिलेक्ट करना है, और आर्ट्स लिए थे तो आर्ट्स ही सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे बीकॉम और आर्ट्स के लिए स्ट्रीम चेंज करने की ऑप्शन नहीं दी गई है, सिर्फ साइंस वाले ही चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स चेंज करना है, कोर्स नेम बीए ही रहेगा या बीएससी रहेगा, आप जो चेंज यहाँ पे करेंगे, साइंस चेंज करेंगे तो यहाँ पे बीएससी आ जाएगा, और बीकॉम कॉमर्स चेक करते हैं तो यहाँ पे बीकॉम आ जाएगा, इस प्रकार है। और ऑनर्स सब्जेक्ट आपको चेंज करना है तो जस्ट आपको इसी पे क्लिक करना होगा। हिंदी है तो इसको आप इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री कुछ भी चेंज कर सकते हैं, आपको जो चेंज करना है चेंज कर सकते हैं, सेम उसी प्रकार जैसे आप पहले फिल किए थे। अगर आपके सब्सिडरी पेपर आपको चेंज करना है, पॉलिटिकल साइंस के बदले में मैथ रखना है तो मैथ पर टिक कर दीजिएगा और पॉलिटिकल साइंस से हटा दीजिएगा। सब्सिडरी पेपर दो होंगे और एक कंपोजिशन सब्जेक्ट ग्रुप होंगे, यानी कि हिंदी इंग्लिश जो होता है ना 50 नंबर का, वहीं 50 और 100 नंबर का होता है। जो छात्र 50-50 नंबर का हिंदी इंग्लिश लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और जो 100 नंबर का लेना चाहते हैं वह सिर्फ हिंदी पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार है। और जो जनरल सब्जेक्ट ग्रुप जनरल स्टडीज का ऑप्शन दे रहा है, या पार्ट थ्री में आपको एक पेपर लिया जाएगा जनरल स्टडीज का, उसके लिए सिलेक्ट करा रहा है आज ही, और इसमें आप दूसरे सब्जेक्ट को चूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट आप इसमें कोई चेंज करते हैं, जैसे कि आपका पेपर चेंज कर देते हैं यानी कि ऑनर्स सब्जेक्ट चेंज करते हैं, तो इन जो नीचे कॉलेज का ऑप्शन है ये आपका पूरी तरह से हाइड हो जाएगा, आपको फिर से सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे आप ऊपर जब सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो जस्ट आपको गो बटन जो आपको लग रहा है, गो बटन पे आपको एक बार क्लिक करना होगा, जो कॉलेज में अवेलेबल होंगे सब्जेक्ट वही कॉलेज आपके सामने आएंगे, फिर से आपको सिलेक्ट करना होगा कि एमएस कॉलेज में या एसएनएस कॉलेज में मैं पहले एडमिशन कराना चाहता हूं, इस प्रकार आपको सिलेक्ट करना होगा। इतना करने के बाद जस्ट नीचे आपको एक सेव का ऑप्शन मिलेगा, जब आपको सेव पर क्लिक कर देना है उसके बाद आ जाएगा एजुकेशन डिटेल्स में। यहाँ पे अभी आपको कुछ डिटेल्स चेंज करना है तो जस्ट आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं, प्रथम बार आप लोग अप्लाई किए थे तो वहाँ पे बीएससी का ऑप्शन नहीं था, मैं उस पर वीडियो भी बनाकर बताया दिया था कि आप लोग इसे एडिट कर सकते हैं, आ चुका है, अदर्स के बदले में बीएससी आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो उसी प्रकार अगर आप लोग भी अभी तक अदर्स रखे हैं तो बीएससी सिलेक्ट कर लीजिएगा। बोर्ड पर जैसे आप जाएंगे और यहाँ पे जो बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे सीबीएसई, आईसीएसई और बीएससी सारे बोर्ड का नाम आ जाएगा, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा बीएससी। आप जिस बोर्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिस बोर्ड से क्लास 11th और 12th की पढ़ाई किए थे 10th का, वो आपको सिलेक्ट करना है। रोल नंबर और इस सारी जानकारी को आपको सही सही फिल करना है। जो डिटेल्स आपको मिसमैच लग रही है उस पर आपको एक बार क्लिक करना है और उसे आप चेंज कर लीजिएगा इन सभी बातों को। और जो एजिबिलिटी क्राइटेरिया जो नीचे है, सारे स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि कक्षा 12th के जितने भी पेपर हैं आपके, साइंस है, साइंस में जैसे अगर आप आईएससी किए थे इंटर में तो आपको करना है साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सबका नंबर चढ़ाना है, न कि आपको सिर्फ ऑनर्स पेपर का चढ़ाना है। दोस्त आप लोग ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाएगा। आप लोग यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा अपना सारा, क्लास 12th में जो भी पेपर था उनका नंबर अपडेट कर देना है दोस्त, आप इसे ध्यान में रखेंगे। और जो 4 नंबर और 5 नंबर है यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, फैमिली अप्लीकेशन और अचीवमेंट, इन सभी के बारे में आपको अगर आपको पता है तो जस्ट आप इसे फिल कीजिएगा, अन्यथा इसे छोड़कर डायरेक्ट मैं चलता हूँ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट में, आपको कैसे कैसे क्या अपलोड करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ जानकारी मेरे मिसमैच हो चुकी है फिर से, क्योंकि यहाँ पे मैं फोटो और आधार कार्ड आपको बता चुका हूँ कि मैं पहले ही लगभग 5 से 7 दिन अपडेट करने के बाद एक बार मैं पेमेंट किया था, फिर भी मेरा यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपडेट नहीं, तो मैं मुझे अपडेट फिर से करना होगा। तो आप लोग इस बातों को ध्यान रखेंगे, जो डॉक्यूमेंट अनिवार्य है उसे अपलोड करना अत्यावश्यक है। जैसे कि यहाँ पे बता दूं कि फोटो अपलोड करना अत्यावश्यक है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट अनिवार्य है और कौन सा नहीं, तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है डॉक्यूमेंट मार्क्ड विथ जो साइन दिया गया है आर मैंडेटरी, यू कैन ऑल्सो अपलोड द अदर डॉक्यूमेंट विच आर नॉट मैंडेटरी। जो डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टार लगा होगा वो आपको अपलोड करना अत्यावश्यक है, और जिस डॉक्यूमेंट पे नहीं लगा होगा उसे आप छोड़ भी सकते, जिस पे स्टार लगा है उसे आपको अपलोड करना अत्यावश्यक है। तो आप लोग इसे चेंज कर लीजिएगा, कैसे चेंज करना है बता दूं कि यहाँ पे आपको फोटो कैसे सिलेक्ट करना है, इसमें जस्ट आपको फोटो पे क्लिक करना होगा एक बार, और आपका फाइल लोकेशन जहाँ पे होगा वहाँ से आप फोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसी प्रकार अपना डिटेल्स जो डॉक्यूमेंट है अपलोड नहीं किए हैं वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद जो नीचे सेव बटन मिलेगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा सेव, और उसके बाद एक प्रकार का इंटरफेस आपका डाटा सेव हो जाएगा। और जस्ट उसके बाद फिर से पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा, तो आप लोग तो पेमेंट कर चुके हैं, जो लोग पेमेंट नहीं किए हैं वे लोग पेमेंट कर दीजिएगा। प्लीज तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल किसी न्यू जीएटॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।